नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के छठवें चरण का चुनाव प्रचार करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संत कबीर नगर पहुंचे, जहां पे भाजपा में सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आजकल अखिलेश जी विकास की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये शोभा नहीं देता क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने कुछ और काम किए हैं, अब मजबूरी में उन्हें विकास की बात करनी पड़ रही है। और क्या कुछ तंज कसा है, आप ही देखिए। बड़े दमखम के साथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम उन्होंने जनता के लिए किए, और बड़े गौरव के साथ, गर्व के साथ, हिम्मत के साथ वो अपनी बात को रख रहे थे। मैं यहां सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे और चुनाव का हौसला पार्टी के दम पर और नेताओं के ताकत पर तय होता है, और जिस दम के साथ हमारे नेता छाती ठोक के बता रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारी पार्टी ने ये किया, ये ताकत किसी और पार्टी का नेता नहीं कर सकता है, कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता कोई कह सकता है कि मैंने ये किया? क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि मैंने गुंडई की। क्या कहेगा? यही कहना कहेगा कि दबंगई की। वो कह सकता है कि जनता के लिए मैंने कुछ किया है? कह सकता है क्या? कोई कांग्रेस पार्टी का नेता कह सकता है कि मैंने जनता के लिए किया क्या? ये ताकत कोई किसी में है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है जो कह सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने की ताकत बीजेपी। आप बताइए, ये राम भक्तों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? और कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि अगर ये बन जाएगा तो फिर बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए राम जन्मभूमि का मामला लटकाए रखो? कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था? ये अलग बात है कि आजकल वो लटके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं। मित्रों, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ थी और 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 मेडिकल कॉलेज, और हमने तय किया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। संत कबीर नगर भी पीछे नहीं रहेगा। यूपी चुनाव 2022 को लेकर कल पांचवें चरण का मतदान किया जाएगा। इन सबके बीच राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज सीएम योगी ने गोरखपुर में सपा पर कई आरोप लगाए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना पर सरकार ने अच्छी रोकथाम की है, विपक्ष सत्ता पर होते तो घोटाले होते तो घोटाले का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष सत्ता पर होते तो घोटाले होते, और क्या कुछ कहा है आप देखिए। देखिए, गोरखपुर पर नाम किस बात के लिए था? माफिया के लिए था और मच्छर के लिए था। दोनों का उपचार हो गया ना? बचे खोचे माफिया 10 मार्च के बाद अपने आप। माफिया और मच्छर के खिलाफ जो हमारी लड़ाई आज से 25 साल पहले प्रारंभ हुई थी, भाइयों बहनों, उस लड़ाई को अब अंतिम विजय की ओर हम लोग लेकर के जा रहे हैं। ये माफिया मच्छर से कम नहीं है, जैसे मच्छर तमाम प्रकार की बीमारी देते हैं, वैसे माफिया गरीबों की संपत्ति को हड़पते हैं, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पते हैं। उन्हें गुंडा टैक्स लेते थे, 5 साल में हमने बंद किया है, लेकिन जो इन्होंने पिछले
25-30 साल पहले जो पैसा कमाया था, 5 साल पहले जो पैसा कमाए थे, अब उस पैसे को निकाल करके, इनकी तिजोरियों से निकाल निकाल करके उसको जनता में देने का काम करने का समय अब आ रहा है। जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त किया, ऐसे ही कोरोना को भी हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर दिए। देखो ना, कोरोना के कारण क्या स्थितियां हैं, दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव कोई बोलना पड़ा कि बड़ी बड़ी रैली कर सकते, कोई समस्या नहीं। भाई अगर नियत साफ हो तो नियंता सहयोग करता है। और कोरोना में आपने देखा होगा, जैसे हम लोगों ने बिजली दी, बिजली में कोई भेदभाव किया क्या? सबको बिजली दिया है ना। और कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दे दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी लोग वैक्सीन ले लिए? फ्री में वैक्सीन, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने। अगर सपा बसपा की सरकार होती सब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी यानी रविवार को होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर इस बीच नेताओं की जुबानी जंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के भगवा वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवा की तुलना लोहे की जंग से करना उत्तर प्रदेश की जनता और संत समाज का अपमान है, डिंपल का ज्ञान कम है। पांचवें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती हैं। इस पे मेरी दो बातें हैं, जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है। और पांचवें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तमाम सियासी दलों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तो वहीं तीखी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर का चुनावी दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए महंगाई का मुद्दा उठाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अगर कुछ डबल हुआ है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई है। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बढ़त बना ली है और पहले चरण में ही कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और मैं समझता हूं छठवें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहाँ पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने GST लागू की, GST का फैसला लिया,
और ये फैसला ऐसा लिया गया न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जौनपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। मड़ियाहू में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल और मछली शहर में डॉक्टर रागिनी सोनकर के पक्ष में चुनावी सभा कर जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान जया बच्चन ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की सरकार उखाड़ कर फेंकेंगे, इसके लिए 7 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। इस इलाके में भी स्वागत है, मुख्यमंत्री है जिंदाबाद। वो इतने परेशान है कि अपने से आधे उम्र के लड़के को उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। जो इंसान गलत काम करता है वो दूसरों पर उंगली उठाता है, वो अपनी गलती दूसरों पर थोपना चाहता है। वो सोच रहे हैं अभी हमारे जाने का वक्त आ गया, जल्दी जल्दी ये सब बोल दो फिर ये निपटते रहे। आपको उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। मैं भी इस इलाके की बहू हूँ, इस इलाके की बहू मैं 50 साल से हूँ, ये मेरा ससुराल है। और मैं अपने ससुराल की उन्नति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बहुत। यूपी चुनाव के लिए जैसे जैसे अंतिम चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे पूर्वांचल में नेताओं का चुनावी दौरा तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन जौनपुर के मड़ियाहू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हवाई चप्पल और हवाई जहाज की बात करने वाले लोग ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को पैदल कर दिया है, सारी की सारी नौकरियां खा गए, हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई अड्डे भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दी और रेलवे की जमीनों का भी काम लगा दिया है। और आपकी नौकरियां तो गई, क्या आपको लगता है आपको नौकरियां मिलेगी? महिला संरक्षण के नाम पे क्या क्या दावे करते हैं ये लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है जब 2017 के चुनाव थे उस समय जब 5 साल की सरकार समाजवादियों की बन गई थी तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में कम हुए थे, एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये। लेकिन आज उन्हीं आंकड़ों को आप उठा के देख लीजिएगा तो 2022 में ये आंकड़े न जाने कितने बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न में। और मैं आप लोगों को कह के जा रही हूँ कि अगले 5 साल जब समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उसको हम कम करके ही दब लेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बसपा से जुड़ने के अनुपात को ध्यान में रखते हुए फिर उसी तरह सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है। चुनाव में आप लोगों को कांग्रेस बीजेपी सपा और अन्य विरोधी पार्टियों को वोट ना देकर सिर्फ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को देना क्यों जरूरी है इसे सभी को समझना होगा। और क्या कुछ कहा है देखिए। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र
वह एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं वे महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो भी नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति यह है इनका असली प्रेम व सम्मान न दी, जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। चुनावी समय है, ऐसे में जनसभा और रोड शो के दौरान इस तरह की जुबानी वार पलटवार तो देखने को मिलते ही रहेंगे। हर एक चुनावी अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।